अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी गुजर रही है लाइफ? और ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज मॉर्निंग टाइम से। तो यहाँ पे मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले भी देखी हैं तो मैं इसकी रेसिपी भी दे चुकी हूँ। तो जस्ट ये फ्रोज़न थे अभी और इनको मैंने निकाला और अच्छी तरह से ऑयल गर्म करके उसमें मैंने इनको फ्राई कर लिया है। और नाश्ते में आज हम पराठे के साथ कबाब खाने वाले हैं। तो जिस एग में मैंने इसको फ्राई किया था, एग कोटिंग की थी मैंने कबाब को फ्राई करने से पहले, उसी एग को मैंने सोचा कि मैं अगेन फ्रिज में ना रखूं, तो उसको भी मैंने साथ में फ्राई कर लिया है। पराठे मैं ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूं और चाय भी मैंने रख दी हुई है बनने के लिए। तो यहां पर हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी। तो आजकल क्योंकि हम लोग घर पर ही रहते हैं तो मिक्सिंग हुई भी है, टाइम बिल्कुल आउट हुआ हुआ है और खाने पीने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। बट ये है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और उनका काम ऐसा है कि उनको अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उनकी ब्रांच जो है वो ऑफ़ नहीं की उन्होंने और स्टिल वो अभी तक ओपन है। तो उनकी वजह से हम थोड़ा सा टाइम पर उठ जाते हैं। तो वो भी ऑलमोस्ट हम 10-11 बजे ऑन टाइम उठते हैं और फिर मैं जल्दी से नाश्ता रेडी करती हूँ ताकि उनके साथ ही हम लोग नाश्ता कर लें और फ्री हो जाएँ। उसके बाद फिर लंच की तैयारी होती है। तो यहाँ पर जितना भी बर्तनों का ढेर लगा हुआ था वो मैं धो चुकी हूँ और उसके बाद मैं इस तरह टॉवल ड्राई कर लेती हूँ सिंक को अच्छी तरह से ताकि नमी ना रहे और किसी भी तरह की स्मेल ना आए। और इसके बाद हो गया था नमाज का टाइम, तो हो ही जाता है जब हम सोकर उठते हैं तो अज़ान उस टाइम थोड़ी देर बाद हो जाती है। तो नाश्ता करने के बाद, किचन क्लीनिंग करने के बाद मैं फिर फौरन नमाज़ पढ़ लेती हूँ क्योंकि थोड़ी ही देर बाद असर का टाइम हो जाता है, तो इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा टाइम पे पढ़ ली जाए। और यहाँ पर अब शाम का वक्त है और शाम में हम लोग स्नैक्स बना रहे हैं। तो हस्बैंड की टाइमिंग उन्होंने शॉर्ट की है, ब्रांच उनकी ऑफ नहीं हुई है और वो इसीलिए शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाते हैं। वैसे उनकी टाइमिंग्स लेट हैं लेकिन क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से 8 बजे से बाहर निकलना घरों से अलाउ नहीं है तो वो घर आ जाते हैं। तो फिर शाम की चाय हम उनके साथ ही पीते हैं। और यहाँ पर मैं फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं ये फ्राई कर रही हूँ और साथ में मैंने चाय रख दी है। और साथ ही में मेरे पास ब्रेड चिकन फिंगर्स थी, मैं लेके आई थी भी फ्रोज़न स्नैक्स से, तो इनको ही हम अभी फ्राई करके खाने वाले हैं। तो हस्बैंड को थोड़ा शौक है कि वो चाय के साथ कुछ नए स्नैकिंग वगैरह भी करें, तो मैंने सोचा कि इन्हीं फ्रोज़न स्नैक्स से काम चला लिया जाए। तो यहाँ पर चाय भी बन के रेडी हो चुकी है और फ्रेंच फ्राइज़ हो रहे हैं फ्राई। फ्रेंच फ्राइज़ निकालने के बाद मैं फिंगर फ्राइज़ को जो है वो फ्राई कर लूँगी। चिकन ब्रेड फिंगर्स हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड फिंगर्स को भी निकाल लिया था और यहाँ पर हो चुकी है प्लेट रेडी। और ये चिकन ब्रेड फिंगर्स और फ्रेंच फ्राइज़ का प्लेटर रेडी हो चुका है, साथ में चाय है। और इसको आप चाहें तो जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी केचप आपको पसंद है, इमली की या टमाटो की। और ये आप देख सकते हैं साथ में हम लोगों ने चाय इन्जॉय कर ली थी। तो शाम को क्योंकि हस्बैंड आए थे, हम लोगों ने स्नैकिंग की थी, तो डिनर टाइम पर अगर स्नैकिंग कर लें तो डिनर टाइम पर फिर इतनी ज़्यादा भूख नहीं रहती या फिर बहुत लेट नाइट भूख लगती है। तो अभी हम लोगों ने स्नैक्स इन्जॉय किए थे, इसके बाद आएगी डिनर की बारी। तो डिनर टाइम में मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो बस मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा और बेटे ने ही खाना खाया था क्योंकि उसने हमारे साथ स्नैकिंग ज़्यादा नहीं की, उसका मूड नहीं था जिसकी वजह से उसने इतना ज़्यादा नहीं खाया। फिर मैंने उसके लिए जो है वो रोटियाँ बना ली थी और साथ में चिकन पड़ी हुई थी, चिकन को गर्म किया। तो आजकल तो ऑलमोस्ट सबकी टाइमिंग इसी तरह चल रही है और सुबह शाम बस ऐसे ही गुजर रहे हैं और जोहर के बाद कब असर हो जाती है, कब मगरिब होती है, पता ही नहीं चलता कब दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट आई थिंक लेट नाइट सो रहे हैं आजकल और सुबह में लेट उठना होता है। तो जिनके बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, उनकी बच्चों की ऑलमोस्ट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो बच्चे जो है वो उठ जाते हैं। आजकल कुछ पेरेंट्स आई थिंक वो टाइमली थोड़ा सा उठना शुरू हो जाएंगे, अपने टाइम टेबल के साथ वो बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं। बट जिनके बच्चे छोटे हैं वो लोग आराम से ही उठते हैं। और तो इसी तरह बस टाइम रूटीन चल रही है, कभी लाइट ब्रेकफास्ट करने का दिल करता है, कभी हैवी
तो रात में भी क्योंकि लेट नाइट सोते हैं, तो सुबह जब हम लोग लेट उठते हैं तो यही होता है कि थोड़ा कभी दिल करता है हैवी ब्रेकफास्ट कर लें और कभी बिल्कुल दिल करता है कि कुछ भी ना खाएं। तो अजीब सी बस एक फ्रस्ट्रेशन है। पहले भी हम लोगों की लाइफ ऑलमोस्ट ऐसी होती है हाउस वाइफ्स की कि हम लोग घर में ही रहते हैं और खाना पकाना और ये सब चलता रहता है, लेकिन जब हस्बैंड्स की और बच्चों की और ओवरऑल रूटीन जिस तरह की अपसेट हुई हो और हम लोग बिल्कुल बाहर भी नहीं निकल सकते, और जो कि अच्छा है हम लोगों की सेफ्टी के लिए है और कहीं आना जाना नहीं है, तो उसकी वजह से शायद थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमने ग्रॉसरी भी करने जाना है तो हमें होता है कि घर में से बस एक ही बंदा जाए। तो मुझे ऑलमोस्ट अब ये 3rd वीक हो गया है। लास्ट वीक मैं गई थी आफ्टर 2 वीक्स, तो उसके बाद अब ये 1 वीक और हो गया ऑलमोस्ट हम लोग बाहर नहीं गए। और ग्रोसरी में जो भी चाहिए होता है फिर हस्बैंड को हम लोग लिस्ट बना कर दे देते हैं, वो लोग ले आते हैं जो भी चीज़ रिक्वायर्ड हो। और जो भी लोग फ्रंट लाइन पे हैं, जिस तरह डॉक्टर हैं और जिस तरह जिन लोगों की जॉब्स हैं, जो कि भी जॉब पे जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने उन लोगों को ऑफ नहीं दिया, उन सब लोगों को सैल्यूट है और अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैंने सोचा कि जो दुआएं मैं आजकल पढ़ रही हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, तो आप लोग भी इन दुआओं को सुबह शाम पढ़ लिया करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म कर दे और जितनी भी परेशानी और फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो। व्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।